हाय गाइस, कैसे हैं आप? होप अच्छे होंगे आप। देखिए, आज हम रुक्मणी कुंड में पहुंचे हैं, जो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है ये। और देखिए यहाँ का सुंदर नज़ारा, कितना साफ पानी है ये। और यहाँ की जो सबसे मेन बात है जो हमने यहाँ पे नोट की, हम बिल्कुल ठंडे मौसम में यहाँ पे आए हुए हैं। और ये पानी जब हमने इसको टच किया तो ये पानी जो है बिल्कुल गर्म है। यहाँ का पानी जो है बिल्कुल, देखो ये गर्म है, बिल्कुल गर्म है। इसका टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेरिजन टू इसका जो सराउंडिंग है। तो ये बहुत ही अजीब बात है कि यहाँ का जो पानी है ये इतना गर्म है कि आप इसमें आसानी से नहा भी सकते हैं इस मौसम में। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे देखो हमने बिल्कुल स्वेटर डाली है, गर्म कपड़े डाले हुए हैं। देखो इन बच्चों ने भी गर्म डाले हुए हैं कपड़े। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि ये पानी यहाँ का बिल्कुल गर्म है। और बड़ी अजीब बात है यहाँ पे कि ये पानी इतना गर्म कैसे है। और जैसे कि यहाँ पे हमने पढ़ा, यहाँ पे लिखा है माँ रुक्मणी का ये कुंड है। और ऐसा माना गया है कि यहाँ पे किसी टाइम पे पानी की कमी होती थी, तो पानी ना मिलने की वजह से यहाँ पे कुछ जो प्राचीन कथा है जो यहाँ पे हमने पढ़ी, उसमें ऐसा लिखा है कि यहाँ पे किसी की बलि मांग रहे थे, तो राजा ने अपनी जो बड़ी बहू थी उसकी बलि जो है वो दे दी थी। और जिसके कारण फिर जैसे ही उसको यहाँ पे ये मंदिर बने हुए हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे के जो मंदिर है, यहाँ पे एक जगह, यहाँ पे ये स्पॉट बना है, तो बोलते हैं कि यहाँ पे उसको जो है वो जिंदा ही यहाँ पे गाड़ दिया था, या उसको ऐसा मान के बोलते हैं यहाँ पे, जैसा हमने यहाँ पे सुना। तो ये बड़ी अजीब बात है कि यहाँ का जो पानी हमने देखा सच में गर्म है, जबकि इतना ठंडा मौसम है यहाँ पे। इसके हिसाब से तो हमें लगता था कि ये पानी बहुत ठंडा होगा, इसको हम टच नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमने इसको बड़े शौक से पानी को पिया भी, हाथ मुंह धोए हमने, तो ये बहुत बड़ी अजीब सी बात हमें लगी और कोई चमत्कार से ये कम हमें नहीं लगा। तो होप है कि आपको ये जो इतना रमणीय स्थल है ये आपको बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू।